प्रशांत सावंत हमारे साथ बने हुए। प्रशांत, पहले तो निफ्टी पर बातचीत करेंगे, आपने कॉल पुट का डाटा रीड किया होगा, क्या ट्रेडर्स किस तरीके की स्ट्रैटेजी यहां से अपना रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहा है डाटा, और अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो क्या सजेशन होगा? तो रूपाली जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों नमस्कार। यहाँ पे मेरी राय थी कि निफ्टी करीबन 21900 के करीब स्पॉट में बॉटम आउट हो सकता है, ऑलमोस्ट वहां से हम बाउंस हुए, तो मुझे लग रहा है एक इम्पोर्टेंट लेवल को रिस्पेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं बिल्कुल मुझे लग रहा है, और स्टॉप लॉस रखेंगे थोड़ा। जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो 21850 पे रखिए, 120 पॉइंट आपकी रिस्क होगी 21850 के आसपास, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो करीबन 21910 21900 के रेंज में रख सकते हैं, बट जो राइट स्टॉप लॉस है वो 21850 है पोजिशनली। यहाँ से आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 22200, जो कि एक रेजिस्टेंस है हम सभी जानते हैं, बट अगर हम 22200-250 इस जोन को क्रॉस करते हैं तो मुझे लग रहा है जो अगला हफ्ता है उसमें निफ्टी में हमें नेक्स्ट लेवल जो दिखेगा वो 22400 का, 22400। तो यहाँ से आप फर्स्ट टारगेट रखिए 22200 का, वहां पे अगर रेजिस्टेंस मिल रहा है तो प्रॉफिट बांध लीजिए, बट अगर 22200 के ऊपर क्लोज हो तो मुझे लग रहा है पोजीशन ऐड कीजिए, आपका पूरे पोजीशन का स्टॉप लॉस होगा 22100, यानी आपकी इनिशियल पोजीशन प्रॉफिट में होगी और न्यू स्टॉप लॉस सिर्फ 100 पॉइंट का होगा, वहां से आप 22400 के लिए डेफिनेटली टारगेट कीजिए। पोजिशनली मेरी ये राय है कि हम इससे ऊपर जाएंगे, बट फिलहाल अगले 5 से 6 दिनों के हिसाब से 22200-22400 इन लेवल्स को ऊपरी लेवल पे ट्रैक करेंगे और 21850 इस लेवल को डाउन लेवल पे ट्रैक करेंगे एज अ मेजर सपोर्ट। ओके, चलिए, तो ये तो बात हुई निफ्टी की, और डाटा ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से रिकवरी बननी चाहिए 22200। इनफैक्ट 22200 तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे सामने आ भी रहा है, वो पार होगा तो 22400 के डेफिनेटली दायरे खुलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, 46500 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, बिल्डअप आपने कॉल पुट में देखा भी होगा 46500 की, क्या इंडिकेशन यहाँ से मिल रही है, संभलेगा यहाँ से या फिर नीचे 46400-46000 तक के दायरे भी खुलते हुए दिख रहे हैं? तो यहाँ पे मैं एक राय बता रहा हूँ दोनों इंडेक्सेस को कंपेयर करने के लिए, 16 और 17 जनवरी के बीच एक बड़ा गैप डाउन हुआ था जो निफ्टी ने ऑलरेडी फिल ही नहीं किया, हम उसके ऊपर ऑलमोस्ट उस रेंज में कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं, जबकि क्लोजिंग बेसिस पे नहीं बट इंट्राडे बेसिस पे हमने उसको क्रॉस भी किया है। अब मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी इसको कैचअप करेगा, उस गैप की जो लेवल थी वो थी 48125 और जो डाउन साइड लेवल थी वो थी करीबन 46500। मुझे लग रहा है कि आज हमने फिर से एक बार उस लोअर लेवल को टेस्ट किया है, तो अब हम शायद इस ऊपरी लेवल को यानी 48000 पे पोजिशनली जा सकते हैं, बट ट्रेडिंग के हिसाब से क्या करना होगा, तो मेरे हिसाब से एक आपको आप अभी करीबन 46500-46600 के बीच ट्रेड कर रहे हो, आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए 46100 स्पॉट, यह आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और यहां से आपका टारगेट 1 होना चाहिए 47000, ये ऑलमोस्ट 1:1 होगी, बट 47000-47200 ये जोन आप एक बार क्रॉस कर देते हो तब मुझे लग रहा है आप स्ट्रेट आपके लिए जो होराइजन ओपन होता है वो होगा 47800-47800 का, तो पोजिशनली हम डेफिनेटली बैंक निफ्टी में 48000 तक जाएंगे, थोड़े हिकअप्स उसमें आएंगे जैसे कि आज आया है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 46100 का स्टॉप लॉस बना के आप कोई भी डिप आए उसमें ऐड करके लॉन्ग बने रहिए, जब तक ये स्टॉप लॉस इंटैक्ट है मुझे लग रहा है हम गैप के ऊपरी लेवल को फिल कर सकते हैं। ओके, तो 46100 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा, उसको स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट कीजिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसको मेंटेन कीजिए, नीचे डिप मिले तो एक तेजी की पोजीशंस बैंक निफ्टी में भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन लेवल्स पर गौर कीजिए। चलिए, तो इंडेक्स पर बातचीत हुई, अब आते हैं स्टॉक्स पर, तो बताइए प्रशांत, पैरा ट्रेड जो आपने आइडेंटिफाई किया है कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे मैंने जो 3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए, थोड़ा मिक्स एंड मैच स्ट्रेटजी है, यहाँ पे फर्स्ट पिक मेरा होगा IRCTC, यहाँ पे डाउनवर्ड मूव कंसोलिडेशन के बाद मुझे थोड़ा बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहूंगा, मेरा स्टॉप लॉस होगा 920 स्पॉट 920, जो टारगेट में देख रहा हूँ होगा 960 का, बट इस स्टॉक में बड़ी मूव तब आएगी जब ये 965-70 के जोन के ऊपर जाए, सो 960 अगर आपको टारगेट आए तो एक बार प्रॉफिट बांध लीजिए, ये मेरी सलाह होगी। ये एक रेंज बाउंड स्टॉक में हम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बाय कर रहे हैं, तो रेंज के ऊपरी लेवल पे आने को आपको प्रॉफिट मानने होंगे। नेक्स्ट पिक मेरा होगा RBL बैंक, यहाँ पे हम 260 के एम लेवल के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं, सो 252 स्पॉट आपका स्टॉप लॉस होगा और 285 जो कि एक रेजिस्टेंस है ये आपका टारगेट होगा, तो फर्स्ट पिक IRCTC फिर RBL बैंक। नेक्स्ट पिक मुझे लग रहा है आज काफी दिनों बाद IT में स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो यहाँ पे HCL टेक
1640 का स्टॉप लॉस रख के हम 1710 1725 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। तो ये तीनों मेरे पिक्स होंगे, IRCTC, RBL बैंक और HCL टेक। ओके, तो नोट कर लीजिए आप तीनों ही ट्रेड्स जो प्रशांत ने रेकमेंड किए हैं। फ्यूचर्स के लेवल्स आपको रेकमेंड किए गए हैं, IRCTC 960 तक के लक्ष्य के लिए फ्यूचर में खरीदारी करके चले, यहाँ पे प्रॉफिट्स ले सकते हैं ट्रेडर्स। बड़े मूव के लिए 960-965 के लेवल्स को पार करना होगा। दूसरा ट्रेड रहेगा RBL बैंक, जहाँ पर फ्यूचर में 285 के लक्ष्य के लिए आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और ये टारगेट रहेगा, यहाँ पे खरीदारी की कॉल है। और HCL टेक 1710 के फ्यूचर टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चले, 1740 दूसरा टारगेट रहेगा, यहाँ पे बाय करने की ही सलाह है HCL टेक पर। फिलहाल 1661 पर कर रहा है ट्रेड। अच्छा, एक ट्रेड पे और राय ले लेते हैं प्रशांत के, वो है ABB। ABB पे कल मैनेजमेंट की कमेंट्री स्ट्रॉन्ग अप मूव, और आज अगर ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज देखेंगे तो 6100-6200 तक के लक्ष्य इस स्टॉक में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई हाउसेस के टारगेट तो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं आज के भी अप मूव के बाद। तो कल चला आज चला, किसी के पास भी ट्रेडिंग पोजीशंस हो प्रशांत, क्या यहाँ मुनाफा लेना चाहिए? अगर होल्ड करें तो स्टॉप लॉस कहाँ रखें? क्या लाइकली टारगेट दिख रहा है? जी, मुनाफा लेने की जल्दबाजी मत कीजिए। मेरे हिसाब से आप 5200 थोड़ा डीप रखिए स्टॉप लॉस। ऑलरेडी आप 5200 पे भी एक हैंडसम प्रॉफिट लोगे अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग हो तो। मुझे लग रहा है कि 5200 पे स्टॉप लॉस रख के बने रही। करंट प्राइस से अगर आप परसेंटेज स्टॉप में देखो तो 3% ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा, बट यहाँ से पोटेंशियल काफी है कि ये 5500-600-700 तक भी जा सकता है। इसलिए एग्जिस्टिंग पोजीशन को 5200 से स्पॉट में ट्रेल करना चाहिए। ओके, तो जल्दबाजी ना करें यहाँ पर। मुनाफा लेने की 5366 पर फिलहाल ये कारोबार कर रहा है, इस पर करें आप गौर। लेकिन बात करेंगे अब एक और खबर की। दरअसल पेंट सेगमेंट में आज ग्रासिम की एंट्री हो रही है। कंपनी के 3 प्लांट आज से शुरू होंगे, और इसी पर और डिटेल्स के साथ पानीपत से हमारे साथ मौजूद हैं आलोक प्रियदर्शी। आलोक बताइए, आलोक अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइए। चलिए, आलोक से बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन आपको बता दे पेंट सेगमेंट में, इनफैक्ट ग्रासिम पर एक राय भी ले लेते हैं, स्टॉक थोड़े प्रेशर में है। और एक बार देखिए स्टॉक को और बताइए क्या व्यू है आपका ग्रासिम पर प्रशांत जी। अगर हम ग्रासिम पर देखें तो एक न्यूज बेस्ड जो आपको मिली थी वो टोटली नेगेटिव हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आज का जो लो बना हुआ है जो करीबन 2110 ऑलमोस्ट उसके आसपास, ये बहुत अहम होगा। अहम क्यों होगा? क्योंकि 20 दिनों की एवरेज है, स्टॉक कंसिस्टेंटली हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बना रहा है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो एक रेंज में फंसा हुआ है। जब भी रेंज की ऊपरी लेवल पे जाता है वहां बिग वाली फेस कर रहा है। तो मेरी सलाह होगी कि जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स हो वो 2110 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के इसमें बने रहे, और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 2110 जब तक इंटैक्ट रहेगा तो हम कंफर्टेबली 2200-2220 के जोन फिर से छू सकते हैं। बताइए प्रशांत, कौन सा रहेगा आपकी तरफ से सस्ता ऑप्शन? तो यहाँ पे अगर हम रियल एस्टेट स्पेस को देखें, यहाँ काफी अच्छा ट्रैक्शन कल से नजर आ रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने एक अच्छा लीडरशिप दिखाया, और अब मुझे जो नजर आ रहा है वो ओबेरॉय रियलिटी पे है। ओबेरॉय रियलिटी पे अगर हम देखें तो एक बहुत नैरो कंसोलिडेशन के बाद उस रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश हो रही है। दूसरी बात, कल के और आज के वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं। कल ऊपरी लेवल्स पे बिकवाली हुई थी बट आज हम वहां सस्टेन कर रहे हैं, जो कि काफी पॉजिटिविटी दर्शा रहा है। तो यहाँ पे इस ये मोमेंटम को मैं एक ऑप्शन के जरिए कैप्चर करना चाहूंगा। 1370 स्ट्राइक प्राइस फरवरी की जो ऑप्शन है 27 पे चल रही है, यहाँ पे 14-14 का स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट 1 होगा 40-40 और टारगेट 2 जो होगा वो होगा 45 का 45 का। पहला टारगेट आपने क्या बताया इसमें? 27 रुपए पे चल रही है फिलहाल ये 1370 की कॉल, 40 का टारगेट 1 और 45 का टारगेट 245। ओके ओके, स्टॉप लॉस 14 रुपए का रखना है। चलिए, तो ये ओबेरॉय रियल्टी के 1370 के कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है जो 27 रुपए के मौजूदा भाव पर है। पहला लक्ष्य इस कॉल का रहेगा, कॉल ऑप्शन का रहेगा 40 रुपए, दूसरा टारगेट रहेगा 45 रुपए, और फिलहाल 14 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक पर, इस ऑप्शन ट्रेड पर नजर रख के चले। और रियल्टी में अगर हम देखेंगे भी तो आज गुजरात प्रॉपर्टीज
उबरा रियल्टी इनमें बाइंग देखने को मिल रही है। डीएलएफ हालांकि एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है लेकिन आज के सेशन में फ्लैट कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है, हल्की बढ़त के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए डीएलएफ पे राय ले लेते हैं इनफैक्ट, क्योंकि कल ये स्टॉक रीसेंट टाइम में काफी अच्छा मूव इसने दिया है। किसी के पास जो पोजीशंस होल्ड हो फ्यूचर्स में तो यहाँ क्या सजेशन रहेगा डीएलएफ पर प्रशांत? तो यहाँ पे बहुत सिंपल रणनीति रखनी होगी। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में आपको रिस्क लिमिटेड रखनी होगी। तो जो आज का लो बना हुआ है जो है करीबन 878, उसके जस्ट 3 पॉइंट नीचे 875 आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग हो 875 आए तो आपको आप प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा और आप एक डिसेंट लेवल पे एग्जिट भी कर लोगे। और अगर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है तो ये स्टॉक आपको कंफर्टेबली 910 के लेवल भी दिखा सकता है। तो लॉजिकल अप्रोच ये होना चाहिए कि 875 पे आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फ्यूचर्स के लेवल के हिसाब से बना के रहिए। ओके, तो ये राय रही डीएलएफ पर। और अच्छा एक राय साइंट पर भी ले लेता है। आईटी स्टॉक्स का प्रशांत आपने जिक्र किया था, एसएल टेक पर ट्रेड रेकमेंड भी किया है, पर एक बार साइंट को देखिए और बताइए यहां पर क्या व्यू है आपका। साइंट के अगर हम देखें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के नजदीक आया था और वहां से बाउंस किया हुआ है। और करंट प्राइस अगर हम देखें तो हम ऑलमोस्ट 2000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 2023 जो आज का लो बनाया हुआ है 1936, करीबन 100 पॉइंट की रिस्क है, बट मुझे लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए एक डिसेंट लेवल है। तो अगर कोई स्टॉक को बाय करना चाहे तो आपको जो आज का लो है उसके नीचे यानी 1930 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना होगा। और यहाँ से टारगेट आपका होगा रेंज की ऊपरी लेवल जो होगा करीबन 2200 का, 2200 का। ओके, तो दिन के ऊपरी स्तर पर फिलहाल साइन का स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3% की तेजी के साथ। यहाँ भी नया ट्रेड ले सकते हैं, 2200 तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। चलिए शुक्रिया प्रशांत आने के लिए शो में, अपने ट्रेड्स सुझाने के लिए, साथ ही सभी इंडाइसिस पर भी अपनी राय देने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए सास बहू और सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।